नमस्कार, रवि सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जीमेल के बारे में। आजकल ईमेल बहुत ही महत्वपूर्ण संचार माध्यम हो चुका है और इसके माध्यम से हमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स शिक्षा विभाग को भी भेजने होते हैं, और अगर आप शिक्षक हैं तो अब आपको जीमेल चलाना आना ही चाहिए। साथ ही साथ जीमेल में जब आप कोई ईमेल प्रेषित करते हैं तो उसे हम फॉर्मेट कैसे करते हैं, यानी आपको अगर कोई ईमेल कंपोज करना है तो उससे संबंधित बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसको भी हम लोग जीमेल में देखेंगे। साथ ही साथ इनबॉक्स के कई प्रकार हैं, उसको देखेंगे, और इसी प्रकार से जीमेल के उन सभी ऑप्शंस को देखने का प्रयास करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसकी जानकारी के अभाव में हम वो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में गूगल के बंच ऑफ ऐप्स में देखेंगे, वहाँ आपका जीमेल होगा। अगर आपने पहली बार जीमेल इस्तेमाल कर लिया है, इससे पहले आपने अगर जीमेल इस्तेमाल किया है तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप पहली बार अपने मोबाइल में जीमेल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे साइड में गूगल का बहुत सारा ऐप होता है, वहाँ से आप इसे सर्च कर सकते हैं। बट मैंने इसे बाहर में रख लिया है, तो यहाँ आप देख रहे हैं जीमेल का ऐप। ये जीमेल ऐप आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से खुलता है। अब आपके मोबाइल में ये दिख रहा है, जो भी ये सब आपके इनबॉक्स में है, यानी ये सारे ईमेल्स आपको प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो आप यह देखिए कि साइड में जो थ्री लाइंस वाले ऑप्शंस होते हैं, उस पर जब आप टच करेंगे तो नीचे बहुत सारे मेन्यू में ऑप्शन दिए गए हैं। आमतौर पर जो पहला ऑप्शन खुलता है वो प्राइमरी होता है, और कभी कभी क्या होता है कि कोई आपको ईमेल भेजता है और आपको ईमेल प्राप्त नहीं होता है, और आप यह शिकायत करते हैं कि आपको ईमेल नहीं मिला है, लेकिन एक्चुअली वो ईमेल आपके ईमेल आईडी पे आ चुका होता है। और उसे ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, प्राइमरी वाले ऑप्शन से ऊपर ऑल इनबॉक्स पे टच करेंगे। ऑल इनबॉक्सेस पे जैसे ही टच करेंगे तो सारे ईमेल्स आपको एक जगह दिखेंगे, और इसमें आपको वो ईमेल भी दिखेगा जो आपको प्राइमरी में नहीं दिख रहा था और आप यह क्लेम कर रहे थे कि हमारा ईमेल नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली मेल्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं, प्राइमरी में आ सकता है, आपके सोशल वाले में आ सकता है। सोशल में आमतौर पे सोशल मीडिया से जुड़े हुए जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, वो सब सोशल वाले में आता है। प्राइमरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, या एक्चुअली वो सारे ईमेल्स जो आपको भेजे जाते हैं वो प्राइमरी में ही आते हैं, लेकिन कुछ ईमेल्स आपको सोशल में दिखेंगे, कुछ प्रमोशंस में दिखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस विज्ञापन के तौर पे, ऐड के तौर पे भेजा जाता है, तो वे सभी प्रमोशन में देखे जाते हैं। और कुछ ईमेल्स ऐसे होते हैं जिसको स्पैम की कैटेगरी में रखा जाता है, जो आपके लिए बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, या आपके लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है आपके मोबाइल के लिए, वैसे ईमेल्स को गूगल जो है वो छांट करके स्पैम में डाल देता है। स्पैम के अंतर्गत वैसे मेल्स भी आ सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ईमेल्स बहुत बार आपको प्राप्त होने लगते हैं तो वो अपने आप स्पैम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्पैम में आना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब कभी भी कोई ईमेल अगर आपको भेजा जाता है और ईमेल न प्राप्त हो तो आप उसे स्पैम में जाके एक बार चेक कर लें। स्पैम में जाने के लिए सबसे नीचे देखिएगा, बिन के ठीक ऊपर स्पैम है, और वहाँ पर स्पैम वाला मैसेज आपको, हो सकता है कुछ ज़रूरी वाला मैसेज भी आपको स्पैम में आ जाए। तो अब आपको इस चीज़ को ढूंढने में सुविधा होगी, कोई भी ईमेल अगर आपको भेजा गया और ईमेल अगर आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप उसे स्पैम में, प्राइमरी में, सोशल में, प्रमोशन में जा करके ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ईमेल को, जो ईमेल आपको प्राप्त हुआ है उसमें बगल में देखिए स्टार होता है, इस स्टार को जैसे टच करते हैं वो स्टार जो है वो कलरफुल हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। मतलब ये हुआ कि ये स्टार लगाने का मतलब है कि वो आपके इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में चला गया। जैसे अभी मैंने दो ईमेल्स को स्टार लगाया है तो वो ईमेल जो है वो स्टार वाले ऑप्शन में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में, या फिर सॉरी स्टार्ड वाले ऑप्शन में। जैसे मैंने अभी दो ईमेल को स्टार किया था, वो स्टार वाले ऑप्शन में आ गया है। अब इसके अलावा हम आपको बताएंगे कंपोज वाले ऑप्शन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको जब भी ईमेल भेजना होता है तो आप क्या करते हैं, जीमेल खोलते हैं और सबसे नीचे जो पेंसिल वाला बटन है उस पर टच करते हैं, तो ये नेक्स्ट जो पेज खुलता है वो आता है कंपोज। तो टू में आप एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ईमेल पे, बल्कि जैसे ये ईमेल मैंने टाइप किया, इनको भेजना है,
फिर मैं कॉमा दे दूंगा, फिर दूसरा ईमेल टाइप करना है, फिर दूसरा ईमेल आपका टाइप हो जाएगा। आप जो भी ईमेल टाइप करेंगे यहाँ पे वो आपका टाइप होता जाएगा, फिर कॉमा दीजिए। फिर इस तरह से आप सैकड़ों ईमेल्स एक साथ, एक ही ईमेल सैकड़ों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि इस ईमेल की कॉपी किसी को भेजिए, कार्बन कॉपी, तो सीसी वाले में आप किसी और व्यक्ति का ईमेल डाल सकते हैं, और एक कॉपी इस किसी को भेजना है तो फिर आप इसको भेज सकते हैं, और सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में सब्जेक्ट मान के चलिए इनविटेशन, मैंने लिखा इनविटेशन, कंपोज करना है, डियर सर ऑब्लिक मैडम, अब कॉमा डाल के हम नीचे आ गए। अब देखिए मान के चलिए इस वर्ड को हमें बोल्ड करना है, जैसे इसको इसको क्या करना है आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ड्रैग करके सेलेक्ट करिएगा, फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट का ऑप्शन जैसे आएगा यहाँ पे बोल्ड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे उसको कलरफुल करने का ऑप्शन है, अंडरलाइन करने का ऑप्शन है, इटैलिक करने का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन इस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये हुआ कंपोज करने का ऑप्शन, और कंपोज करके आप सिंपली तीर के निशान से आप भेज सकते हैं। उसके ठीक बगल में एक पिन है अटैच करने का, वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आप फाइल अटैच करना चाहते हैं, तो अटैच फाइल पर आप टच करेंगे और यहाँ से आपका जो फाइल है कंप्यूटर का या मोबाइल का वो खुल जाएगा, वहाँ से आप फाइल को अटैच कर सकते हैं और फाइनली इसको भेज सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर गलती से अगर बैक दबा देते हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब आपका सेव हो जाएगा ड्राफ्ट वाले ऑप्शन में। कहाँ सेव हो जाएगा? ड्राफ्ट वाले ऑप्शन में। और ड्राफ्ट वाले ऑप्शन को जैसे ही आप टच करेंगे और यहाँ पे पेंसिल का निशान होता है, उस पेंसिल के निशान पे टच कर दीजिए, फिर से आप कंपोज वाले उसी ऑप्शन पे आएंगे जहाँ तक आपने लिखा था। तो गूगल की ये सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी चीज़ आप जब करते हैं और बिना सेव किए अगर बाहर भी निकल जाते हैं तो वो आपको मदद करता है, वो पहले से ही ऑटोमेटिकली जो है वो सेव कर देता है। तो जीमेल के सेक्शन में आज आपने महत्वपूर्ण बातों को सीखा, नेक्स्ट वीडियो में भी हम जीमेल पर ही चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो भी समस्याएं आपको आए करने में तो हमें ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।